आज हम बनाते हैं तहरी। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ऑयल में जीरा और प्याज डाल लेना है। यहाँ पे हमको प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने देना है। उसके बाद हमें हरी मिर्च डाल देनी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे आलू डाल देंगे। आलू को ऑयल में अच्छे से पकने देंगे। ये तहरी आप गर्मियों सर्दियों में कभी भी बना के खाएंगे ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप एक बार बनाएंगे, आपका बार बार बनाने का मन करेगा। इसमें नमक टेस्ट अनुसार लेना है। और अब इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को भी, ताकि ये आलू जल्दी से पक जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यहाँ पे आलू पक चुका है। अब इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। और टमाटर को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटर को भी इसमें पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से इसमें पक जाए। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खुशबू आने शुरू हो गई है। यहाँ पे ये चावल लिया है। चावल को हमको गीला पकाना है, ताकि ये अलग अलग ना रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी चावल को भी इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से चावल को इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने हल्दी को स्किप किया, आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के रेडी हो गई हमारी तहरी। आपको ये कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।